आज की एक्टिविटी है अल्फाबेट्स वर्सेस नंबर के बीच में हम एक एक्टिविटी करेंगे। सो डियर पेरेंट्स, आपने सबसे पहले क्या करना है, बच्चों से कहना है कि आप पहले अल्फ़ाबेट्स राइट कीजिए फ्रॉम ए टू जी। वन साइड आपने अल्फ़ाबेट राइट करने हैं जस्ट लाइक दिस, ए बी सी डी ई अप टू सो ऑन जी तक राइट करने हैं। देन आफ्टर दैट बच्चों से कहना है कि आप जिस जिस अल्फ़ाबेट में जैसे अपने अल्फ़ाबेट सीरीज में लिखे हैं आप बिल्कुल उसके सामने लिखिए नंबर्स, जैसे कि ए बिलोंग्स टू वन, बी टू, सी के सामने थ्री, और डी कौन सी पोजीशन पे आता है दैट्स फोर, ई कौन सी पोजीशन पे दैट्स फाइव, एफ कौन सी पोजीशन पे सिक्स, और अप टू सो ऑन 26 तक। और आप उनको ये भी बता सकते हो कि देर आर टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स। ओके, तो ये सब करने के बाद, अल्फ़ाबेट्स लिखने के बाद, नंबर्स लिखने के बाद हम चलते हैं एक्टिविटी की साइड। ऐसे आपने क्या करना है, कोई नंबर लिख देना है जिसके मैंने राइट किया है सी ए टी कैट। तो आपने क्या करना है, बच्चों से कहना है कि वेयर सी बिलोंग्स, सी कहाँ बिलोंग करता है, तो सी की जो पोजीशन है वो कौन सी साइड में है, तो सी बिलोंग्स टू थ्री, तो आपने बिल्कुल सी के नीचे राइट कर लेना है थ्री, यहाँ पे थ्री राइट कर लेना है, यहाँ थ्री राइट करना है, और ए बिलोंग्स टू वन, ए की पोजीशन क्या है दैट इज़ वन, एंड उसके बाद टी, तो टी की कौन सी पोजीशन है, हम चलते हैं टी की साइड, तो टी की पोजीशन है 20th पोजीशन ऑफ टी, और जो टी की पोजीशन है वो हमने राइट कर लेनी है कैट की साइड में, ये टी की साइड में यहाँ 20 पोजीशन। ओके, यहाँ हम राइट कर लेंगे 20। उसके बाद मैंने फिर से लिखा है जैसे कि बैट, आप बता सकते हो बच्चों को कि बैट क्या है, बैट क्या होता है, और बी की पोजीशन कौन सी है, बी बिलोंग्स टू टू, बी जो है वो उसकी सेकंड पोजीशन होती है तो राइट हियर टू, एंड ए की पोजीशन होती है वन, राइट हियर वन, एंड टी की पोजीशन एज यू नो द पोजीशन इज़ 20। इससे क्या होगा, बच्चे को एक तो पता चल रहा है देर आर 26 अल्फ़ाबेट्स, और अगर आप मल्टीपल टाइम्स इस एक्टिविटी को बच्चों से कराते हो तो एक तो वो सीखेगा अल्फ़ाबेट्स, और दूसरा सीखेगा पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, कौन सा पहले आता है, अगर 20 अगर उसको अच्छी नॉलेज होगी, यानी कि इससे तो उसकी मेंटल एबिलिटी चीज़ों को जैसे कि चीज़ों को लर्न करने की कैपेसिटी बढ़ेगी उसकी। वैसे ही सिमिलरली नीचे वाला है जैसे कि मैंने लिया है टी, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, जैसे कि टी मैंने टी लिया है, ये किसी का नाम लिया है आर्यन, आप भी अपने बच्चों के नाम के आगे ऐसे नंबर्स फिल करा सकते हो, जैसे ए है बिलोंग्स टू वन, आर बिलोंग्स टू 18, बाय तो आपको पता ही है 25, एंड ए बिलोंग्स टू वन, एंड एन बिलोंग्स टू 14। ऐसे आप अपने नाम ले सकते हो, नाम से फिल करा सकते हो उनको, नाम से ज़्यादा इंटरेस्टिंगली वो फिल करेंगे, जैसे कि मैंने नाम लिया इशिता, तो इशिता जैसे कि ई बिलोंग्स टू 5, एस बिलोंग्स टू जितना भी होगा 19, ऐसे बच्चों से नंबर को फिल कराइए। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मेंटल एबिलिटी को डेवलप करने वाली एक्टिविटी है। होप ऑल ऑफ यू आर परफॉर्मिंग दिस, एंड इसको आप रेगुलरली परफॉर्म कर सकते हो। एक साइड अल्फ़ाबेट लिखे, दूसरी साइड आपने लिखे नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, और अल्फ़ाबेट्स की पोजीशनिंग और नंबर इनको अच्छे से याद हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ फ्रूट्स नेम लिख सकते हो, यहाँ आप वेजिटेबल्स नेम लिख सकते हो, वेजिटेबल्स नेम के नीचे, या फिर आप सिर्फ ये नंबर्स लिख सकते हो पहले 1 2 3 4, और अकॉर्डिंगली देखो नीचे कौन सा नंबर आ रहा है, अल्फ़ाबेट कौन सा आ रहा है, तो वो फिल करते चलो। आप इसको दोनों साइड से इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हो। सो होप यू गाइस लाइक दिस। बाय बाय, टेक केयर।